हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस वैकेंसी की एग्ज़ाम के ऊपर, यानी कि एक महीने बाद में आपकी एग्ज़ाम है। और साथियों, कहते हैं अंत भला तो सब भला, यानी कि अगर आप ये एक महीने आप अच्छी रणनीति के साथ में अगर स्टडी कर लेते हो तो आप अपना जो स्कोर है ना वो बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक महीने में अपना सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन हाँ, आपकी पीछे की तैयारी अच्छी है तो एक महीने में भी आप अच्छा परफॉर्म करके अपना स्कोर अच्छा ले जा सकते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको विशेष फोकस में रखना चाहिए, तो साथियों सबसे पहले तो देखो जो इम्पोर्टेंट है ना वो महिला व बाल अपराध से संबंधित योजनाएं। इनमें से साथियों 8 से 10 क्वेश्चन पुट अप होकर आते हैं आपके एग्जाम में, महिला बाल अपराध से संबंधित योजनाएं। तो ये क्या ज्यादा बड़ा सिलेबस में नहीं है, ओनली 4 छोटा सा सिलेबस है इसका, और 8 से 10 क्वेश्चन आप यहां से टारगेट कर सकते हो महिला बाल अपराध से संबंधित योजनाएं। इनके अलावा साथियों राजस्थान की राज व्यवस्था, यहां से भी हर एग्जाम में 4, 5, 6 क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस में। तो राजस्थान की राज व्यवस्था को भी आपको क्लियर कर लेना है, महिला व बाल अपराध से संबंधित योजनाएं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दोनों में छोटा छोटा सिलेबस है और इसे आप फटाफट तैयार कर सकते हो, एक एक दो दो दिन में ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे स्ट्रांग है ना साथियों, वो है आपका रीजनिंग और कंप्यूटर। यानी रीजनिंग और कंप्यूटर में आप जितना प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में उतना आपका स्कोर अच्छा होगा, और कंप्यूटर में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए साथियों। यहाँ से मतलब ये जो टॉपिक है ना, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, ये दोनों टॉपिक ही आपको फाइनल मेरिट तक पहुँचाएंगे। एग्जाम पास होने में और फाइनल मेरिट तक पहुँचने में काफ़ी बड़ा अंतर होता है, तो रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। रीजनिंग के तो जितने हो सके उतने प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए आपको, यानी कि रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाओ जितने ज़्यादा हो सके। डेली के 3 घंटे 4 घंटे आपको रीजनिंग को देना है, और पूरे में से पूरे नंबर रीजनिंग से कवर करने हैं और पूरे में से पूरे नंबर कंप्यूटर से कवर करने हैं। कंप्यूटर का भी कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन 30 क्वेश्चन आप कंप्यूटर से कवर कर लोगे और 30 क्वेश्चन आप रीजनिंग से कवर कर लोगे। सबसे प्लस पॉइंट ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद में आता साथियों राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में क्या क्या पूछा जाता है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल। अब यहाँ से है साथियों 45 क्वेश्चन, यहाँ से थे 60 क्वेश्चन। अब 45 क्वेश्चंस की आपकी रणनीति होनी चाहिए, जो अब तक आपने पढ़ा ना राजस्थान जीके में, जो अब तक आपने पढ़ा ना उसी को रिवाइज करना। अब ऐसा नहीं कि आपको कुछ नई चीज़ें पढ़ने हैं, नए सब्जेक्ट्स आपको और पढ़ने हैं। और हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन होना साथियों, कन्फ्यूजन होना जियोग्राफी में कन्फ्यूजन हो, तो जियोग्राफी के नवीनतम नोट्स मेरे पास में अवेलेबल है। जो नवीनतम नोट्स की प्राइस है वो शायद 15 से 20 रुपए के आसपास में है जियोग्राफी की। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो नोट्स आप परचेज कर सकते हो। नोट्स आपको महिला बाल अपराध योजनाओं के भी मिल जाएंगे और राजस्थान की राज व्यवस्था के भी मिल जाएंगे। नोट्स मेरे पास में अवेलेबल है इनके, और कम से कम प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे। अगर भूगोल में कन्फ्यूजन है तो इनके आप मेरे से नोट्स ले सकते हो और फटाफट आप इन्हें रेडी कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप अच्छा खासा टारगेट अपना रखना चाहिए, क्योंकि राजस्थान जीके से बहुत अच्छा टारगेट आप यहाँ से ले सकते हो, और 30 से 35 यानी कि 35 के आसपास में टारगेट आपको राजस्थान जीके का रखना चाहिए। अब साथियों आता है इंडिया जीके। अब यहाँ से भी 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके और जीएस दोनों सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंडिया जीके भी काफ़ी फैला हुआ सब्जेक्ट है और जीएस है, जीएस से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर आपका स्कोर कम भी रहेगा ना तो चल जाएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का यहाँ से स्कोर कम रहता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से भी पूरे 45 में से 45 लाओ, या अब आप इंडिया जीके पढ़ने बैठ गए या जीएस पढ़ने बैठ गए और पूरा टाइम इन्हीं में खपा दिए। तो साथियों इनमें अगर आपका स्कोर कम भी चल जाएगा ना, यानी कि 30 के आसपास, 25 या 30 के आसपास भी अगर आपका स्कोर यहाँ पर चला जाएगा ना, 25 से 30 के बीच में भी चला जाएगा ना, तो इतना ही स्कोर कर पाते हैं इसमें, स्टूडेंट्स ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करना है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है रीजनिंग और कंप्यूटर पे। फिर उसके बाद में साथियों ये दो सब्जेक्ट, महिला बाल अपराध योजनाएं, राजस्थान की राज व्यवस्था और राजस्थान जीके। महिला बाल अपराध योजनाओं के नवीनतम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। राजस्थान की राज व्यवस्था के भी नोट्स मिल जाएंगे और जियोग्राफी के भी नोट्स मिल जाएंगे। तीनों सब्जेक्ट के नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9680666207।
इन पे आपको जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो लिख के आपको भेजना है, आपको नोट्स कम से कम प्राइस में है वो मिल जाएंगे। तो साथियों इन सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। लास्ट टाइम पे कोई नए सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा यानी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से आपको इनको फटाफट से रिवाइज कर लेना है। और अपना जो टारगेट है ना साथियों, कट ऑफ का टारगेट है ना, वो लगभग 120 यानी कि आपका जो पेपर होता है 150 का पेपर होता है, तो आपको टारगेट तो आपको साथियों 110 के आसपास का लेके चलना है। वैसे कट ऑफ 100 के आसपास ही इसकी अब की बार है वो रहने वाली है, यानी कि 150 में से आपकी कट ऑफ है वो 100 के आसपास ही अब की बार रहने वाली है। लेकिन टारगेट हमेशा आपको ज़्यादा लेके चलना है, 150 में से 120 115 का टारगेट आपको लेके चलोगे जब जाके आपके 100 प्लस नंबर है वो स्कोर हो पाएंगे। तो साथियों ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।